कैसे कैसे फोड़ा ये ड्राइवर हो इसकी फुल रेस कर रखी। हाँ। जंप पे से छट को ड्राइवर झट। हाँ। ट्रैक्टर के हाथ रेस खींची पड़ी। हाँ। ये वाली देखो ये भाई ये। हाँ। और जब की करण में जाकर डंडा वंडा दीवार पीवार ने तोड़ ताड़ के। हाँ। की करण फंस गो जब जा रहे नहीं यू बंद। और ना ही बम्पर था इसको है ना। बम्पर है कोई पड़ा टूट वो बम्पर उसी ने तोड़ा फिर। हाँ और यू यहाँ से यू टूट पड़ो जी। हाँ उधर से भी मार रखे ना मार रखा देखो नुकसान कर रखे भाई बहुत ज्यादा। 65 मतलब कि 75 से ज्यादा नहीं भागेगा इस महिंद्रा में सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सबसे टॉप में भागता है भाई ये। और ये है भाई 23 मॉडल है। हेलो एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई आज तो गए नहीं थे रात हो रही थी बारिश और लेट हो गए थे चलिए शुरू करते हैं। ये है भाई महिंद्रा का 265 DI XP प्लस मॉडल। इसके अंदर है भाई चार सीधे हैं 1 2 3 4 यहाँ लगता है बैक बिल्कुल पीछे चला गया है ऐसे। अभी तो कुछ भी नहीं चला है 930 घंटे चला है। टायर बढ़िया वाले पड़ रहे हैं इसमें गुडियर के सबसे बढ़िया कंपनी है टॉप में गुडियर वाजरा वाजरा इसका नाम होता है। और देखो 13 6 28 इसका नंबर होता है। अगले वाले होते हैं 6 16 के ये भी गुडियर के हैं चारों टायर गुडियर के हैं बहुत बढ़िया। ब्रेक होते हैं इसके ऑयल एमरशेड पावर ब्रेक होती हैं इसमें बिल्कुल बढ़िया वाली ब्रेक। और इसका भूमिपुत्र नाम है तो जानकारी पता क्या है जानकारी सर्विस के बारे में देनी है भाई। एक भतीजा है उसने इंस्टाग्राम पर मैसेज किया है तो इसके बारे में जानकारी देनी है। होता है रेडिएटर इसमें 20 दिन में और 1 महीने के अंदर अंदर पानी चेक कर लेना बहुत ज़रूरी है। और कूलेंट भी साथ में ये कूलेंट का बॉक्स है अंदर। और सर्विस करवाते ही ये खुल के इसमें ब्रेक ऑयल ज़रूर चेक कर लें गियर का ब्रेक का और लिफ्टिंग कैपेसिटी का ऑयल इसी के अंदर होता है। और सर्विस के टाइम ये चीज़ जो ये खुल के इसके अंदर छोटा सा फिल्टर होता है उसमें कचरा वगैरह फंस जाता है सर्विस करते समय ये ज़रूर चेक करवाएं। और ये क्लच है क्लच प्लेट का विशेष ध्यान रखना है किसी भी तरीके से क्लच पर कोई भी मतलब अचानक से एकदम से फटाक से क्लच नहीं छोड़ना है। और ये एक्सप्रिंग जो होता है ये एक्सप्रिंग अब ज़रूर होना चाहिए ये एक्सप्रिंग निकल जाता है कई बार और उसको ऐसे ही चलने देते हैं क्लच प्लेट मर जाएगी इससे। और इतना गैप देखो इतना एक 1.5 इंच का गैप इसमें हमेशा होना चाहिए ये चेक करते रहना है ये कम ना हुआ हो। और ये निकल जाए तो ये नया डलवा लो और इसको यहाँ से ना ये कम है कम डला हुआ है इसको प्लस के साथ मोड़ दें। और सबसे मेन कमी पता क्या दी है अभी इस ट्रैक्टर में XP में प्लस में एक फिल्टर डीजल फिल्टर कर दिया है यहाँ 2 होते हैं ये एक है 2015 मॉडल में उसमें दो मिलेंगे दोनों डीजल फिल्टर। सर्विस के टाइम कई बार लालच हो जाता है या फिर कई बार फिल्टर मिलता नहीं उसको तुरंत बदलवाएं। गत्ते के फिल्टर होते हैं इसके अंदर जिसके अंदर से तेल छण के जाता है पंप में यहाँ से पंप में डीजल जाता है। और पंप की रेस जो ये होती है ये छेड़नी नहीं होती भाई बार बार क्योंकि ना पंप पर असर पड़ता है डीजल कम ज़्यादा लेता है फिर ट्रैक्टर। और ये रेस होती है रेस जाती है पंप के अंदर ये पंप का नट होता है इससे रेस कम ज़्यादा होती है जहाँ कंपनी फिक्स कर देती है कंपनी फिक्स पे तो खैर चलता नहीं है ट्रैक्टर क्योंकि उसमें 20 की रेस होती है हमें चाहिए होती है कम से कम 25 और 20 के बीच में 22.5 23 24 ऐसे। यह रेडिएटर इसको रेडिएटर बोलते हैं अगर कई बार कचरा फंस जाता है तो इसको खोल के ये खुलती है इसको खोल के पानी निकाल दो नया पानी डाल दो। और कभी भी अगर ट्रैक्टर गर्म हो जाए तो फटाक से ढक्कन नहीं खोलना है या तो फिर किसी कपड़े के साथ में उसको पहले लूज़ करो उसके अंदर एक सुराख होता है उससे पानी प्रेशर बाहर आ जाएगा फिर ढक्कन को आराम से खोल सकते हैं पूरा पानी बाहर आ जाएगा अगर गर्म हो जाए। गर्म होने के बाद में फिर स्टार्ट ही रहने दे ट्रैक्टर को कभी बंद मत करो जब गर्म है तो ट्रैक्टर इंजन सीज हो जाएगा बिल्कुल धुआं मारेगा वाइट वाला और इंजन ख़त्म हो जाएगा। आपके ट्रैक्टर पर बम्पर होना चाहिए ये ट्रैक्टर देखो लाइट फोड़ दी
ड्राइवरों के हाथ में होता है और शो में भी लगी हुई है। ये देखो, मैंने 2.5 साल बगैर बम्पर के ट्रैक्टर चलाया है, पर एक जगह भी ऐसी लगने नहीं दिया, मामूली से निशान भी आने नहीं दिया। जब मैं नया ट्रैक्टर लेके आया था, बम्पर तो है ही नहीं था, तो कहीं पे गया हुआ था, नाम नहीं लूँगा, तो उस पे से थोड़ा सा हल्का सा डेंट आ गया था। और ट्रैक्टर लाए हुए को भी 2 दिन हुए थे, और बम्पर लगवाएं तो ये रकाब वाला बम्पर मत लगवाओ यहाँ, और इसको दूसरे या तीसरे दिन साफ़ कर लेना चाहिए। इसके अंदर से धूल जाती है अंदर, और अंदर से फिल्टर होके उसमें ऑयल होता है, इसके अंदर ऑयल होता है, इसको साफ़ करवाना बहुत ज़रूरी होता है सर्विस के टाइम। इसके अंदर इतना 1 इंच 1.5 इंच से कम 2 इंच तक रप्पस हो जाती है, मिट्टी हो जाती है तेल के अंदर, क्योंकि ये चूस मारते ना सांस लेता है, ये नाक होती है ट्रैक्टर की। फिर 22 पाओगे मॉडल, तो 22 लास्ट का पाओगे, हो सकती है 22 लास्ट का। बिल्कुल नया ट्रैक्टर है भाई, फोड़ दिया बम्पर। ये जैसे भगागा ट्रैक्टर 75 है, ये तो भाग के नहीं, 75 नहीं भागेगा, रेस छोड़ देवे ये तो। हां 75 भागेगा नहीं ट्रैक्टर, ये तो छोड़ दे जी, इस तो वो 275 है भाई, ये तो एंपियर ही ना तोड़े। हां यूं तो आवाज रहा है, जस्ट चलने की आवाज आ रहा है, वही आवाज। और वेल लोड में ये कंडीशन का ट्रैक्टर है, 265 भागेगा भी लोड में, बढ़िया चलेगा जमकर। 575 भी इतना लोड में जमकर नहीं चलता। 575 अपने वाला 2019 मॉडल 9वें महीने का, और ये लेके आए थे 5,75,000 रुपये का, और आज तो इसकी बहुत ज़्यादा कीमत है, 7-25-20 ऐसे हो सकता है। मुझे सभी ने साथ छोड़ा लगभग, इसने साथ नहीं छोड़ा भाई, ये बेचा पता कितनी बार बेच लिया, कम से कम उस दिन का आया हुआ है मेरे घर पे, आने के 1 महीने बाद ही बिकना शुरू हो गया था कि मैं बेच रहा हूँ। उस दिन से आज तक नहीं बिका भाई, ये मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा पैसे इस ट्रैक्टर ने कमाए हैं भाई, और सबसे ज़्यादा साथ भी इसी ट्रैक्टर ने दिया, और सबसे कम ट्रैक्टर चलाया ये मेरे पास, 3600 घंटे करीब ये चलाया, इतने घंटे ट्रैक्टर मेरे पास बहुत चल रही है, लेकिन सबसे कम ट्रैक्टर चलाया ये रोड पर भी और काम में भी, लेकिन पैसे सबसे ज़्यादा कमाए हैं ये तो। बस अगर भाई टाइम अपग्रेड हुआ कुछ ना कुछ मेरे पास, तो इसको नहीं जाने दूंगा भाई किसी भी कीमत पर। अगर भाई कोई ऐसा टाइम आता है तो फिर तो भाई कुछ नहीं कह सकता, मगर ये खड़ा है भाई, जहाँ कहते हैं ना भाई खड़ा है कोई बंदा साथ में, तो ये खड़ा है भाई, इसके अलावा तो भाई कोई क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। आप जो एम स्टार का ऑयल होता है वो यूज़ करें, और 2015 ट्रैक्टर 13 के टायरों में 35 HP में मिलेगा, अगर 12 के टायर हुए तो 30 HP में हो सकता है भाई वो ट्रैक्टर। तो भाई मेंटेन करके रखो भाई ट्रैक्टर, आसानी से ट्रैक्टर कहीं पर भी ना जाता, और जिसका हल्का फुल्का काम है जैसे कि थोड़ा चलना होता है और पक्के पर और खेत में नहीं जाना होता, खड़ा ही लगभग रहता है, जैसे कि कोई प्याज बेचता है तो उसका लगभग खड़ा ही रहता है, कम से कम चलता है, तो भी मेंटेन करके रखो ट्रैक्टर को, आप 20 साल तक ट्रैक्टर रख सकते हो, यह मैं दावा करके कह सकता हूँ। ट्रैक्टर की आप एक क्लच प्लेट तक भी नहीं उड़ा सकते अगर ध्यान से मेंटेन करके चलाओ, क्लच प्लेट ही जो मेन चीज़ है, वो मत मरने दो, ट्रैक्टर मरेगा ही नहीं, और गियर ध्यान से लगाओ। 575 की बहुत सबसे बड़ी मार्केट UP में है, और हमारे पास भी है भाई, देखो घोड़ा रेड हॉर्स है, ये रेड हॉर्स। तो यही जानकारी है कि मतलब मेंटेन करके रखो, कोई दिक्कत नहीं है, सर्विस महिंद्रा की आप कुछ भी करवा सकते हो, वैसे तो 2300-2400 रुपये में सर्विस हो जाती है, क्योंकि जो एयर कैलेंडर की रबर है वो नई डलनी चाहिए हर बार, उसके अंदर से कई बार ऑयल निकलने लग जाता है ऊपर से उछल के, उस यूज हो जाती है कई बार। और 265 की तो भाई 2300-2400 रुपये में हो जाएगी वैसे सर्विस का, आप 3000 रुपये में काम शुरू करोगे ना, करवाओगे वहाँ से लेके धोने तक, बिल्कुल साफ सुथरा अच्छे से धोने तक लग जाएंगे। बस यही जानकारी, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना शेयर करना। तो चलिए इस वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं आप लोगों को जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, जानकारी कैसी लगी बताना जरूर।